हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ क्लैरिसा फ्रॉम क्लैरिसास क्रिएशन। और आज मैं बनाने जा रही हूँ हमारे ईस्ट इंडियन स्टाइल बट घरेलू मसालों के साथ बनाने जा रहे हम चिकन कटलेट्स। यस, चिकन कटलेट्स एक बहुत ही बेस्ट स्टार्टर कहा जा सकता है, या तो फिर बच्चों का पसंदीदा स्नैक्स कहा जा सकता है। पार्टी टाइम्स के लिए एवर रेडी, एवरी टाइम फेवरेट रहता है जो चिकन लवर्स होते हैं, नॉन वेज लवर्स होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने चिकन को धोकर अच्छे से स्ट्रेन कर लिया था, और उसके बाद उसे अच्छे से ग्राइंडर में इस तरह से पीस लिया है ताकि ये एकदम बारीक हो जाए। तो ये हमारा 400 ग्राम्स बोनलेस चिकन है। साथ ही में हमने यहाँ पर लिए है रफली चॉप्ड 4 अनियंस मीडियम साइज़ के। स्पाइसीनेस के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ये स्पाइसी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें पटेटोज भी आते हैं। पटेटोज की क्वांटिटी कितनी लेनी है वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो यहाँ पर मैंने 8 से 10 हरी मिर्ची लिए है। साथ में ये हमारा है जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो आप देख सकते हैं कितना वाइट है। तो इसका एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स होता है जिससे कि ये वाइट रहता है। अभी ये आप बिलीव नहीं करोगे, ये 15 डेज हो गए हैं बट फिर भी ये मेरे फ्रिज में एकदम वाइट है। अगर आपको इसकी रेसिपी जाननी हो तो हमें कमेंट में बताइएगा, हम डेफिनेटली शेयर करेंगे। साथ ही में यहाँ पर इजीली अवेलेबल घर के मसाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने लिया है रेड चिली पाउडर, स्पाइसीनेस के लिए, कलर के लिए नहीं है। फिर ये है हल्दी 1/4 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून। ये हमारा सीक्रेट मसाला, या फिर आप कह लो होममेड गरम मसाला है, जिसकी रेसिपी हमने अभी तक शेयर नहीं की है। अगर आप उसकी भी रेसिपी जानना चाहते हो तो हमें कमेंट में बताइएगा, हम डेफिनेटली ये मसाला आपको भी बताएंगे घर पर गरम मसाला कैसे बनाते हैं, एंड नॉन वेज आइटम या फिर फिश आइटम्स में वो इजीली यूज़ कर सकते हो। साथ ही में जीरा पाउडर लिया है हमने, उसके बाद नमक टेस्ट के अनुसार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई ले ली है मैंने, उसे तेल अच्छे से गरम करने रख दिया है। तो हमारा तेल अच्छे से गरम हो गया है, मैं इसमें अनियन और मिर्ची पहले डाल दूंगी सौटे होने। तो हम इसे हाई फ्लेम पर ही सौटे करेंगे, हमें इसे ज़्यादा पकाना नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा जो हरी मिर्ची का कच्चापन है उसे हमें दूर करना है। और 1-2 मिनट के लिए अच्छे से फास्ट फ्लेम पे स्टर करने के बाद हम इसमें डालेंगे 1.5 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो ये मेरा 1 स्पून और ये मेरा 1/2 स्पून, और इसे भी हम 1-2 मिनट के लिए सॉटे कर लेंगे। तो मेरा अदरक और लहसुन का जो रॉ स्मेल है वो निकल गया है। अब इसमें हम ये ड्राई स्पाइसेस इंक्लूडिंग सॉल्ट भी डालेंगे। बस 1 मिनट के लिए हम इसमें स्टर करेंगे ताकि हमारा मसाला जो है वो पक जाए। तो आप देख सकते हैं इसमें से तेल छूट गया है। अब हमारा 400 ग्राम्स चिकन हम बोनलेस डाल देंगे इसे, और इससे हमें 1-2 मिनट के लिए फास्ट फ्लेम पे स्टर करना है। उसके बाद 15-20 मिनट्स के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे पकने देना है। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ विनेगर इसलिए ताकि जो हमारे चिकन के पीसेस जब ये फॉर्म होते हैं तो हार्ड ना फॉर्म हो, सॉफ्ट रहे, उसके लिए विनेगर। आपके पास लेमन जूस हो तो आप लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हैं। क्वांटिटी ऑफ चिकन के ऊपर डिपेंड करता है। अभी इतने क्वांटिटी के लिए आप एटलीस्ट 1 बिग, अगर छोटे हो तो 2, अगर बड़े हो तो 1 फुल लेमन आपको डालना है। विनेगर मैंने 1 टेबलस्पून डाला है क्योंकि मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग विनेगर है। तो मैंने अच्छे से स्टर कर लिया है 2 से 3 मिनट के लिए। अब इसे ढक कर मैं लो टू मीडियम फ्लेम पे 15-20 मिनट्स पकने दूंगी, और इसका पूरा वाटर जो भी होगा हमें पूरा सुखाना है। तो 15 मिनट्स के बाद मैंने इसका वाटर ड्राई कर लिया, और आप देख सकते हैं ये कितना अच्छे से हो गया है, बिल्कुल
बिल्कुल भी मॉइस्चर अब इसमें नहीं है, और इसे कंटिन्यूसली इस तरह से हम चंक्स तोड़ते रहेंगे ताकि बड़े बड़े चंक्स फॉर्म ना हो। और अब इसे फैन के नीचे मैं ठंडा करने रखने वाली हूँ। तो मैंने एक बाउल में ये कीमा को ट्रांसफ़र कर लिया है, जो चिकन का जो हमने बोनलेस चिकन को ग्राइंड करके बनाया, और इसे फ़ैन के नीचे अब मैं ठंडा करूँगी, क्योंकि ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। ठंडा किए बिना अगर हम इसमें आलू डालेंगे तो ये पानी छोड़ने लग जाएगा एंड हमारे जो कटलेट्स हैं वो बिल्कुल नहीं बनेंगे। तो इसे 10 मिनट के लिए हम फैन के नीचे रखेंगे। तो ये मेरा ठंडा हो गया एकदम। अब इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ 1 चॉप्ड अनियन और बहुत सारा धनिया, और साथ ही में हम डालेंगे यहाँ पर रखा हुआ है पटेटो। तो पटेटो कितना डालना है, मैंने 3 पटेटोज लिए हैं मीडियम साइज़ के, और उसे एकदम ही स्मैश कर लिया है। और अब ये बाइंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, अगर ये बाइंडिंग नहीं रहा तो हमारा जो कटलेट्स है वो ऑयल में फैल जाएंगे, इसलिए पटेटो ऐड कर रहे हैं। एंड मैं हाथ से ही कर रही हूँ क्योंकि मैं घर पे अच्छे से खाना बना रही हूँ, तो मैं हाथों का यूज़ करना ही पसंद करती हूँ विदाउट ग्लव्स। तो आई होप आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो, और जिसे प्रॉब्लम हो रहा हो वो प्लीज़ ग्लव्स यूज़ करिए। तो मेरा अच्छे से मिक्स हो गया है, इसे मैंने साइड में रखा है। तब तक दूसरा भी मैं इसका आपको कोटिंग के लिए क्या क्या यूज़ होने वाला है वो बता देती हूँ। तो यहाँ पर हमने लिए है 3 अंडे, और उसमें मैंने सॉल्ट ज़रा सा 1/4 टीस्पून और 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर डाला है। उसके बाद यहाँ पर लिया है मैंने ब्रेड क्रम्स, और यहाँ पर थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, गरम मसाला पाउडर, सॉल्ट और चाट मसाला। ये टेस्ट के हिसाब से ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो डालिए, नहीं तो सिर्फ ब्रेड क्रम्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसे मिक्स कर लूँगी और इसे अच्छे से फेंट लूँगी। तो अब हमें कटलेट का जितना बड़ा छोटा साइज़ चाहिए, आप देख सकते हैं कितना अच्छे से बाइंडिंग हो रहा है। मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, अराउंड 250 टू 280 ग्राम्स जितना, 400 हमारा चिकन है, उसमें एक कच्चा अनियन हमने डाला है और बाकी का हमने सॉटे किया था। तो यहाँ पर हम राउंड इस तरह से बॉल बनाएंगे और उसे फ्लैट कर लेंगे टिक्की के टाइप। एंड आप देख सकते हो कितना अच्छे से चिकन है, अगर आप बाहर के जगह पे देखोगे तो सिर्फ आलू आलू आपको मिलेगा, बट यहाँ क्लैरिसास क्रिएशंस में आपको प्रॉपरली चिकन ही मिलेगा एंड आलू की स्टफिंग कम। एंड आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है। अब इसे हम लेंगे और इस तरह से अंडे में कोट करेंगे, कोट करने के बाद इसे उठाएंगे और फिर इस तरह से हम ब्रेड क्रम्स में डाल देंगे। तो ये हम करके एक साथ आप फ्रिज में रख सकते हो, जब आपके मेहमान आए या फिर आपको गरम गरम खाने का इच्छा हो तब आप इसे फ्राई कर सकते हो। तो मैं एक साइड में इसे रख दूंगी और ऐसे ही मैं सारे कटलेट्स बना लेती हूँ एंड फिर आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर मेरे कटलेट्स बनकर रेडी है। तो यहाँ पर मैंने टोटल 15 to 16 कटलेट्स है, वैसे उतने इंग्रेडिएंट्स के हमारे 30 कटलेट्स बन के रेडी है। आधे मैंने फ्रिज में ऑलरेडी स्टोर कर दिए हैं, आप चाहो तो इसे एयरटाइट कंटेनर में रख कर फ्रीज़र में रख सकते हो, 6 to 7 डेज आप इसे उसके बाद भी खा सकते हो। जब आपका मन हो आप फ्रीज़र में से निकालो, थोड़ी देर उसे नॉर्मल टेम्परेचर पर आने दो एंड देन आप डीप फ्राई करो, शैलो फ्राई भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ऑयल रख दिया है, वो अच्छा खासा गरम हो गया है, अब मैं उसमें एक एक फ्राई करने डाल दूंगी। तो आप देख सकते हैं मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई होने रखा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। वाव, आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट कटलेट बन रहे हैं हमारे, बिल्कुल भी वो फैले नहीं है। तो अच्छे से हम इसे क्रिस्प होने तक फ्राई कर लेंगे। तो मेरे कटलेट्स बनकर रेडी है, आपको दिखा देती हूँ मैं।
आप सोच रहे होगे इतने सारे ये व्हाइट व्हाइट बबल्स क्यों है। वाओ देखिए कितना प्रिटी दिख रहा है एंड यू कैन हियर इट, उसका क्रिस्पीनेस। दैट्स इट, वी विल रिमूव इट। तो एक किचन टॉवल पे निकाल देंगे ताकि एक्सेस ऑयल ड्रेन हो जाए, वैसे ही हम सारे निकाल लेंगे। एंड ये 2 से 3 मिनट फास्ट फ्लेम पर भी आप फ्राई कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी इसके सारे इंग्रेडिएंट्स पके हुए हैं, ओनली हमें फ्राई करना है। तो मुझे फ़िलहाल अभी इतने ही फ्राई करने हैं, जैसे जैसे मेरे घर वाले बोलेंगे वैसे वैसे मैं उनको गरम गरम फ्राई करके दूंगी। तो देखिए कितने प्रिटी दिख रहे हैं। तो इस तरह से मैंने एक प्लेट में सर्व कर लिया है, क्योंकि हमें इसे दाल राइस के साथ खाना है। अगर आप स्टार्टर के रूप में इसे सर्व कर रहे हो तो इसे ग्रीन चटनी या तो फिर टमाटो सॉस या हॉट एंड स्वीट चिली सॉस, जिसके साथ भी आपको अच्छा लगता है उसके साथ आप खा सकते हो, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। एंड यस, स्पाइसी बनाना तो ही अच्छे लगेंगे, और जो स्पाइसी बिल्कुल नहीं खाते तो वो तो आप आपके हिसाब से आप बना सकते हो। आई होप आपको ये रेसिपी हमारी पसंद आई होगी। दिखने में कितना ही टेम्प्टिंग लग रहा है, खाने में आप सोच सकते हो ज़बरदस्त लगने वाला है। जो भी नॉनवेज लवर है डेफिनेटली उन्हें बहुत पसंद आने वाला है। हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी हमारी कैसी लगी, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। हैव अ गुड डे।